हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता नेगी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो ये ब्लॉग 3 मई का है, जब मेरी नंद की विदाई हो गई थी। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग हम लोग भी निकल गए थे मिलनी करने के लिए। जाते हैं यहाँ पे, ऐसा रिवाज है। तो बस बुक करी थी चाची और उन्हें, तो सारे गए थे। सबको जाना पड़ता है मिलनी करने के लिए, मीन्स मतलब सारे गाँव के हों या रिश्तेदार हो, अपने सगे पराए जो भी हैं सब जाते हैं। तो ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है, मैंने जस्ट ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया। मेरा मन ही था ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि मन थोड़ा सा उदास भी हो गया था। तो बस मैं बैठते के साथ ही मैं थोड़ा सा ऐसे बात बुत करने लगी, और उसके बाद मैं दीदी की गोदी में लेट गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, वॉमिट होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। फिर जब हम पहुँचने वाले थे तब मैंने यहाँ का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, वो भी मुझे जल्दी से अशुन हुआ था, जल्दी पहले रिकॉर्ड कर लिया। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ का व्यू अच्छा है, तो मैंने रिकॉर्ड किया था। बाकी बहुत छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग ब्लॉग को बहुत प्यार देना, ब्लॉग में व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब पहुँचने वाले थे बस रुक गई थी पता नहीं कहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। देन उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी नंद है, जो उनके रस्म वगैरह ख़त्म हो गई होंगी जो वहाँ पे करते हैं जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद, तो उसके बाद वो आई थी बाहर टीका करती हैं। वो सारे घर के जितने भी जेंट्स होते हैं, मर्द होते हैं, उन सबको टीका करती है, और फिर वो अंदर एंट्री करते हैं। देन यहाँ पे हम बस से उतर गए, रियांश है, रियांश के कपड़े ठीक कर रहे थे रियांश के पापा। रियांश यहाँ पे बड़ा पैदल चला था, मेरे को भी बड़ा वो हो गया था, मतलब रियांश कैसे चल रहा है पैदल। फिर ये दोनों बुआ जी हैं, मैं इनके साथ बात करते हुए जा रही थी कुछ, और ये रियांश, रियांश के ताऊ जी हैं रियांश के पापा। देखो ये है वो झील जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को पहले बोले थे तो वीडियो बनाई है वहाँ पर, वो झील वगैरह भी है, डैम बोलते हैं इसको यहाँ पर। और ये रियांश के पापा कैसे देख रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ फाइनली हम पहुँच गए, और मेरा रियाज देखो बेचारा कैसे घूम रहा है, इसको बड़ा आनंद मिल रहा था। इसके चाचू वगैरह जिसने देख लिया था ना, तो चला गया था ये अंदर अपने चाचू के पास। ये देखो पीछे इसके चाचू आ गए इसको लेने के लिए, कहीं इधर उधर ना निकल जाए। और जैसे इसने कहा चाचू आ रहे, स्पीड में और भगने लग गया। देन यहाँ पे आ गई है मेरी नंद सबको टीका करने के लिए। मैं और पूजा अंदर चले गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अंदर नहीं जाना, बाहर ही रुकना है मिलनी करने के लिए। हम क्या मिलनी करेंगे, जो बड़े बूढ़े वो करते रहेंगे अपने आप। हम तो अंदर चले गए थे, जाके बैठ गए थे, क्योंकि हम थक जाते हैं सफ़र करके। यहाँ पे सबसे पहले चाचू जाएंगे, मतलब इनके पापा, देन उसके बाद सारे जाएंगे। तो ये यहाँ पे पता क्यों हंस रही है, वो इसलिए हंस रही ना, क्योंकि यहाँ पे सारे इनके मजाक उड़ाते थे, सुबह तो इतना रो रही थी और अब हंस के दिखा रही है हमें क्यों हंस रही है, इसलिए हंस रहे थे यहाँ पे सारे इनकी मजाक उड़ा रहे थे।
सो गाइज़ यहाँ पे हम निकल गए इनके घर से अपने घर के लिए खाना पीना खा के, क्योंकि मैंने वहाँ पे और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का, बस डैम जो झील है इसके मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पे मुझे ना मतलब बिल्कुल अपने गांव की याद आ गई थी, इतने पहाड़ पहाड़ देख के ना मेरे को अपने कांडे गाँव की याद आती थी उत्तराखंड की, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को यहाँ पर। मैं इनको बोल भी रही थी कि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने गाँव की याद आ रही है सारा देख के, वो कहते हैं हाँ क्योंकि इन्होंने भी देखा हुआ है मेरा गाँव, इसलिए इनको भी बताया सही है। सो यहाँ पे उसके बाद हम बस में बैठ के घर चले गए। तो आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे ना या तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।